गुजरात के भरूच में एक कोविड अस्पताल में शुक्रवार देर रात भीषण आग लग गई, जिसमें करीब 18 कोरोना मरीजों की मौत हो गई। इस घटना में कई घायल भी बताए जा रहे हैं। यह हादसा भरूच के पटेल वेलफेयर अस्पताल में रात करीब 12:30 बजे से 1 बजे के बीच हुआ। एक घंटे के भीतर आग पर काबू पा लिया गया। बताया जा रहा है कि पटेल वेलफेयर अस्पताल की पहली मंजिल को कोरोना मरीजों के लिए कोविड केयर सेंटर बनाया गया था। 4 मंजिला यह अस्पताल भरूच जम्बूसर हाईवे पर स्थित है और इसे एक ट्रस्ट द्वारा संचालित किया जाता है। बताया जा रहा है कि कोरोना वार्ड में करीब 49 मरीज भर्ती थे, जिसमें से 24 मरीज आईसीयू में थे। भीषण आग को देख हॉस्पिटल में भगदड़ मच गई। आनन फानन में बचाव कार्य शुरू कर दिया गया। आग की चपेट में हॉस्पिटल के मरीज आ गए। आग इतनी तेजी से फैलना शुरू हुई कि मरीजों को बाहर निकलने का समय बहुत कम मिला। जब तक मरीजों को बाहर निकाला जाता, बड़ी संख्या में मरीज आग की लपटों में घिर चुके थे। भरूच जिला प्रशासन के अनुसार आग में झुलसने से 18 लोगों की मौत हो गई है, जबकि घायलों को उपचार के लिए दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भरूच के SP राजेंद्र सिंह चुड़ासमा ने आशंका जताई है कि मरने वालों की संख्या में इजाफा हो सकता है। करीब 50 लोगों का रेस्क्यू कर उन्हें दूसरे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस मामले में जाँच की जा रही है। इतनी भीषण आग लगी थी कि कुछ देर में ही बहुत कुछ जलकर खाक हो गया।